मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार से अपने नए कार्यालय लोक भवन में बैठना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही यह बताया गया था कि नवरात्र से लोक भवन ही सीएम योगी का नया दफ्तर होगा, जिसको लेकर तैयारियां चल रही थी, लेकिन मंगलवार 16 अक्टूबर से सीएम ने यहां बैठना शुरू कर दिया है। मंगलवार को प्रमुख सचिव अनूप चंद्र पांडे और सूचना प्रमुख अवनीश अवस्थी ने यह जानकारी देते हुए बताया कि आज से मुख्यमंत्री कार्यालय लोक भवन शिफ्ट हो जाएगा। इसी के साथ मुख्य सचिव का कार्यालय भी लोक भवन में शिफ्ट हो गया है। प्रमुख सचिव गृह, अपर मुख्य सचिव सूचना का दफ्तर भी लोक भवन में होगा। कैबिनेट बैठक पहले ही लोक भवन में होती थी, लेकिन आज के बाद सभी बैठक लोक भवन में ही होंगी। आज से ये नवरात्र में हम लोग यहाँ पर मुख्यमंत्री कार्यालय जो है वो यहाँ शिफ्ट करेंगे और मुख्यमंत्री यहाँ बैठेंगे और रेगुलर बेसिस पे मुख्यमंत्री कार्यालय यहाँ पर आएगा। मुख्य सचिव कार्यालय भी शिफ्ट हो रहा है, आज हमने मुख्य सचिव कार्यालय की शिफ्टिंग भी यहाँ कराएंगे और इसके अलावा नियुक्ति सचिव, प्रमुख सचिव नियुक्ति, अपर मुख्य सचिव नियुक्ति वो भी यहाँ बैठेंगे और प्रमुख सचिव गृह भी बैठेंगे और सबसे ज़रूरी जो है वो अपर मुख्य सचिव सूचना भी यहाँ बैठेंगे और मीडिया सेंटर भी यहाँ यहीं से। क्या अलग तरीके की सुविधाएं यहाँ पे दी गई, कहा गया कि पेपर में यहाँ पर सारा कार्य यही होगा, जो भी बैठकें होंगी यही होंगी। कैबिनेट बैठक पहले से यहाँ होती है और मीडिया की भी ब्रीफिंग वगैरह सब यही होगी। सीएम के नए दफ्तर को लेकर पहले ही सचिवालय की ओर से आवंटन कर दिया गया था, जिसके अनुसार प्रथम तल मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव नियुक्ति विभाग, मुख्य सचिव के स्टाफ ऑफिसर, विशेष सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक मुख्य सचिव का सभा कक्ष, मुख्य सचिव के सूचना एवं जन सूचना अधिकारी तथा सिक्योरिटी कंट्रोल रूम, द्वितीय तल सचिव मुख्यमंत्री, विशेष सचिव नियुक्ति विभाग एवं स्टाफ कक्ष, मुख्य सचिव कार्यालय का कंप्यूटर सेल, संयुक्त सचिव, उप सचिव तथा अनुसचिव नियुक्ति विभाग, तृतीय तल NIC प्रतीक्षालय के साथ ही उप सचिव, अनुसचिव तथा संयुक्त सचिव मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के अन्य कार्यालय, चतुर्थ तल अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री, विशेष सचिव मुख्यमंत्री, OSD मुख्यमंत्री तथा स्टाफ, पंचम तल आवंटन आदेश में इस तल का कोई जिक्र नहीं है, हालांकि माना जा रहा है कि पंचम तल पर मुख्यमंत्री योगी ही बैठेंगे। भूतल पंचम तल के पास का ऑफिस, सचिव नागरिक उड्डयन तथा स्टाफ। न्यूज टाइम्स के लिए गौरव शुक्ला की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।